नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन प्रवक्ता चयन परीक्षा 2019 पीजीटी इतिहास भाग 28, जो इसकी परीक्षा 1 फरवरी को होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन के लिए। क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन दिया है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा उदयन। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? इसका आंसर हो जाएगा ए बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? इसका आंसर हो जाएगा सी शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वैशाली। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्न में से किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी महापदम नंद। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा धननंद। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? इसका आंसर हो जाएगा बी मकदुनिया का। क्वेश्चन नंबर 58, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी तिस्ता या झेलम का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की? इसका आंसर हो जाएगा बी विलियम्स जोन्स। क्वेश्चन नंबर 60, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा डी धननंद। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? इसका आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है? इसका आंसर हो जाएगा बी अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इंडिका किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा सी मेगास्थनीज की। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में से कोई कथन नहीं असत्य, सब सही है। देखिए इसमें सही में क्या है, कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था, चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला में प्राण त्यागे थे, ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा है? इसका आंसर हो जाएगा सी बिंदु सार को। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? इसका आंसर हो जाएगा बी 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका आंसर हो जाएगा डी जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा डी 13वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा बी मास्की में। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक अरामाइक से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए
सरेकुना। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा सी अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? इसका आंसर हो जाएगा डी 7 भागों में। क्वेश्चन नंबर 74, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपरोक्त में से कोई कथन इसमें असत्य नहीं है। सत्य में देख लीजिए क्या है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्रम संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी सही है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, मौर्य काल में बिष्टि किसे कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा निःशुल्क श्रम को। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था? इसका आंसर हो जाएगा सी पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए? इसका आंसर हो जाएगा बी सातवाहन ने। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? इसका आंसर हो जाएगा एंडो ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? इसका आंसर हो जाएगा गोंडो फर्निस। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी श्री गुप्त। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? इसका आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी समुद्र गुप्त। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? इसका आंसर हो जाएगा ए समुद्र गुप्त। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए? आंसर हो जाएगा डी शकों को पराजित करने के। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? इसका आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी उपरोक्त कथन सब सही है। मेहरौली का स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से, यह भी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, ये भी सही है। भारत पर हूणों का आक्रमण के समय स्कंद गुप्त था, ये भी क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ए दिनार। यानी गुप्तकालीन सिक्कों को जो है सोने के जो सिक्के उसको दिनार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, मंदिर निर्माण की कला का सर्वप्रथम मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए,
गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? इसका आंसर हो जाएगा ए, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, हर्षवर्धन की राजधानी थी कहां पर थी? इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हर्षवर्धन के। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, हरिसेन ने। क्वेश्चन नंबर 100, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, पुलकेशियन द्वितीय ने। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।